गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज है संडे और तारीख है 14, और रात से ही थोड़ी थोड़ी बारिश लगी थी, तूफान था। तो मैं आ गई हूँ गाय के पास और इन गाय से दूध निकाला और घास डाला और फिर गोबर वगैरह इकट्ठा किया और ये सोने को भी घास डाला और सोचा कि ब्लॉग बना लूँ। तो कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। तो ठंड हो गई है, तो बार बार गर्मी का मौसम हो रहा है और फिर बारिश हो रही है और फिर ठंड हो रही है बार बार। तो थोड़ा खलारा पड़ गया है, इसको सफाई कर देती हूँ। और मेरा काम लगभग ख़त्म हो ही गया है, लेकिन जो दूध देते हैं ना वो नहीं आए, अभी दूध देने नहीं आए, उनका इंतज़ार कर रही हूँ। और कल घास किया था और नमन कैसे खलारा डाल कर रख गया था, आधा डाल दिया और आधा उनको इसको ढक के रख देती हूँ ना, थोड़ी दोपहर को हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो इतना ग्रीन हरा घास नहीं होता, क्योंकि सूखा है ना, गर्मी का मौसम है और बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो घास भी कम होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है घास। तो आज सत्संग भी है, 9:30 बजे जाना है, और मैंने इनको अंदर ही रहने दिया क्योंकि सत्संग भी जाना है ना, फिर पीछे से बारिश हो गई तो ये तो गिल्ली हो जाएंगी थी, तो फिर बारिश लग पड़ी तो इनको कौन अंदर बांधेगा, इसलिए आज मैंने इनको अंदर ही रहने दिया। और कैसे मस्त होकर घास खा रही है काजदू, ओए काजदे, अब तो बात भी नहीं सुन रही है नंदू, दोनों ही बस खा ही रही है, तो इसलिए मैंने इनको बाहर नहीं बांधा। और ठंड भी है तो अंदर ही, और अब चलना है थोड़ी देर में घर को और फिर जाना है सत्संग में। तो गाइस, मैं गाय के पास आके घर पहुंच गई हूँ और अभी टाइम हो गया है 9:10 और हम हो गए हैं सत्संग को तैयार। और देखिए बादल हैं, बारिश है थोड़ी थोड़ी, मौसम फिर ख़राब है। तो चलिए चलते हैं सत्संग घर। और अभी सुबह पता चला है कि मेरे मायके में, मायके के पास ही है घर, वो मायके वाले हैं, उनके शेड में, कऊ शेड में आग लग गई है, तो बेचारी गाय भी उसमें झुलस गई है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या हुआ है। और गाड़ियाँ जा रही हैं, और ठंड हो गई है थोड़ी थोड़ी, और तूफान और बारिश की वजह से ये आम में फूल लगे हैं ना, ये भी जड़ रहे हैं। जब आम लगने की बारी आएगी तो एक भी फूल नहीं रहेगा। तो चलिए चलते हैं, बाइक आ गई है, तो चलिए गाइस, अभी हम खजूर में पहुंच गए हैं। पहले अगर लोग में थे अब आवा लग रहे हैं। अच्छा,
नुकसान हो गया। तो गाय सेशन ख़त्म हो चुका है और नीचे देखिए मोर है, मोर अपने पंख फैलाए हैं, मोर ओ दिखा सी बड़ा पर ए ओ गुन खजूर नु है बड़े भाई आन खजूर नु आक लूई और बारिश भी लगी है। हां अच्छा तो गाइस मैं अभी सत्संग सुन के आई हूँ और बस खाना वगैरह खाया थोड़ा सा और सत्संग का टाइम हो गया था, बर्तन वगैरह धोने को ही थे तो मैं आई 11 बजे, कपड़े वगैरह चेंज किए और बहुत मुझे ठंड लग पड़ी और फिर मैंने गर्म कपड़े जो है वो निकाल लिए और फिर बर्तन साफ करने को थे ऐसे खलारा डाल के चली गई और बर्तन वगैरह धो रही हूँ बर्तन, मैं क्या धो लेती हूँ बाहर जो है वो बाहर बारिश लग पड़ी है बहुत जोरों से और आज प्रोग्राम भी है, मैंने तो प्रोग्राम को जाना भी है, कल जाना है तो आज हमारे गांव में छेवी लगी है, छेवी मतलब शादी, लड़के की शादी है हमारे गांव में पड़ोसियों के, तो उसकी शादी है जुलाई में है, तो हमारे यहाँ पहाड़ों में शादी से पहले ना बहुत ज़्यादा रस्में होती हैं तो छेवी मतलब लड़की सब उनका काम करते हैं शादी का, मतलब लकड़ियाँ जो है वो काटनी और उनको इकट्ठा करना और जिस टाइम खाना वगैरह बनाना तो उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो गांव वाले ये शादी वाले जो है ना वो ये बुलाते हैं अपने रिश्तेदारों को, गांव के नज़दीक जो होते हैं उनको लेडीज को बुलाते हैं और जेंट्स को भी बुलाते हैं और फिर गाने वगैरह गाते हैं, सुहाग गीत गाते हैं, लड़कों के सुहाग गीत गाते हैं और फिर सारे जेंट्स जो है वो इकट्ठे होकर लकड़ियाँ देने जाते हैं, एक बड़ा पेड़ होता है उससे लकड़ियाँ काटते हैं और सभी ने एक साथ उन लकड़ियों को धोना भी होता है, वो इकट्ठे चीर चार के एक जगह इकट्ठे करते हैं और फिर खाने वगैरह और रात को फिर फंक्शन करते हैं, नाच वगैरह करते हैं शादी का, इंजॉय करते हैं कि शादी नज़दीक आने वाली है तो हमारे। तो गाइज अभी मैंने बर्तन धो लिए हैं और उनको रखना है पर, और लाइट भी चली गई है और बाहर बारिश लग पड़ी है, ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, ठंड लग गई है और टाइम 12 बजे से ऊपर हो गया है तो जल्दी काम ख़त्म करना है और फिर मैंने अपनी मम्मी के पास जाना है और अभी सफाई जो है वो सारी करने को ही है तो करती है तो बाहर से हवा आ रही है और मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना तो कूड़ा जो है ना वो पीछे जा रहा है तो बाहर हवा चल पड़ी है, तूफान चल पड़ा है, बारिश भी लगी हुई है और बेचारे जिनके घर में प्रोग्राम है ना उनको मुश्किल होगी क्योंकि बारिश में है ना ऐसे प्रोग्राम कैसे पीछे हट रहा है ये कूड़ा
क्योंकि प्रोग्राम में बारिश हो ना तो हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, और जिन्होंने फंक्शन में जाना होता है ना उनको भी मुश्किल होती है, और जो घर वाले होते हैं ना उनको भी मुश्किल हो जाती है गेस्टों को अटेंड करने में, उनको कैसे संभाला जाए। मैंने मम्मी के पास जाना है पर शायद बस में ही जाना पड़े क्योंकि बारिश जो है ना वो बहुत लगी है, बहुत तो नहीं है थोड़ी थोड़ी लगी है, और हवा ना मैं कैमरे से दिखाना बाहर यहाँ से दरवाजे से दिखा कितनी हवा चल रही है और ठंड भी लग रही है, देखो गाइस कितनी और बारिश के छींटे जो है ना वो अंदर को आ रहे हैं। तो झाड़ू लगाती अभी मैंने कोई भी सफाई नहीं की थी क्योंकि सत्संग जो है ना वो 9:30 बजे लग पड़ता है, और मैं कितने बजे आई गाय के पास से मैं आई 8:30-9:30 ही हो गए थे, जल्दी जल्दी आई और फिर 8-10 फुलके बनाए चाय फिर खाना खाया, और जल्दी से 9:10 तक मैं तैयार हो गई क्योंकि मैंने आपको अपनी जब हम सत्संग जा रहे थे ना तो मैंने आपको टाइम बताया था कि अभी टाइम हो गया है 9:10, और फिर मैंने बताया था ना आपको कि हमारे मेरे माइक है मैं खजूरनू में बेचारों की वो कऊ साइड जो है वो झुलस गई है, आग लग गई थी सुबह, तो थोड़ी देर हम वहाँ भी रुके और मैंने पूछा उनसे कि क्या हुआ, तो बेचारों ने उन्होंने बोला कि पता नहीं कब लग पड़ी, उनको पता ही नहीं चला, और कोई 4:30 बजे का टाइम हुआ तो उनको किसी गाड़ी वाले ने बताया कि आपके कब साइड में जो है ना वो आग लग गई है, तो बेचारी आग इतनी लग चुकी थी ना कि मतलब उनको पानी लगा लाते लाते ऊपर उन्होंने सूखा घास रखा था ना कऊ साइड मार दो बेचारे ने, तो गाय जो थी वो आग से झुलस गई, झुलस के उसके ऊपर लकड़ियाँ बेचारी के ऊपर पड़ गई थी और उनकी गाय जो है बेचारी वो आग में झुलस गई और उसकी डेथ हो गई, और फिर मैंने अपनी आँखों से देखा अंदर जाकर तो बहुत दुख हुआ क्योंकि वो गाय जो थी ना वो गर्भवती थी गाय उनकी बेचारों की, तो अभी थोड़े ही दिन में उसकी डिलीवरी होने वाली थी, तो बहुत ही बेचारे परिवार वालों को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो ना मैंने टाइम बताओगे क्या हुआ 12:13 12:15 होने वाले हैं गाइस, तो बस अभी तो अभी चलना है थोड़ी देर में आगे गाय को पानी वगैरह भी पिलाना है क्योंकि मैं 8:30 बजे आई थी, तो उनको पानी तो बारिश में पिएंगी नहीं ना, लेकिन अब सफाई हो गई ना अब नीचे पोचा लगाना है बॉडी में बस बस, तो अभी पोचा लगभग लग ही चुका है और यहाँ से बारिश की वजह से बारिश के छींटे आ रहे तो आधा पानी तो उसमें ऐसे ही आ रहा है, तो गाइस देखिए गाइस मैं बोल रही थी ना आपको कि हमारे यहाँ छेई लगी है, तो ये छेई होती है ऐसे लकड़ियाँ काटते हैं और फिर ऐसे सारे इकट्ठे होकर लकड़ियों को ढोते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इनके बेटे की शादी है और जो खुद दूल्हा जो है वो भी काम कर रहा है, तो देखिए तो गाइस देखिए बेचारे घराड़ का क्या हाल हुआ है, यानी कि कऊ साइड का क्या हाल हुआ है, ये टीनें जो है बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, बहुत ही दुखद समाचार है उनका घर, जब वो लास्ट वाला वाइट टैंकी जो है ना वो है, इसलिए इनको बेचारों को पता